तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर जो आपका पहला टॉपिक है वो है एसी जनरेटर या एसी डायनो। एसी डायनो के अंदर कुछ नहीं है, नॉर्थ साउथ मैग्नेट है और ये लूप है, कॉयल है जो गोल गोल घूमती है, जिससे बिजली पैदा होती है, हमारे घरों तक आती है। ये इंटरनेट से लिए हुए डायग्राम्स हैं तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉयल घूम रहा है, अलग अलग डायग्राम मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। पर आपने क्या समझना है, आपने ऐसे समझना है, आपके पेपर में ये बनाना है। इसके अंदर सबसे पहले दो ये मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। करेक्शन कर लेना बुकलेट में, इस कॉयल की रोटेशन ऐसी है, ये वाला पोर्शन अंदर, ये बाहर है। गलती से आपके बुकलेट में शायद ऐसे बना हुआ है, इसको चेंज करो, ऐसे है। तो ये वाला पोर्शन बोर्ड के अंदर जाएगा, ऐसे है, ठीक है। रूल नंबर वन, मैग्नेट है, ये कॉयल है, इंपॉर्टेंट ये है, इसमें दो रिंग्स हैं, इस रिंग को बोलते हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग, इसमें वायर स्लिप हो सकती है। कैसे? जैसे ये एक स्लिप रिंग है, ये वायर है, वायर पहले यहाँ पे है, जब ऊपर से वो घूमेगी कॉयल तो ये नीचे की वायर यहाँ जाएगी, तो ऐसे ऐसे घूमती है, चिपकी रहती है, इसके ऊपर स्लिप होती रहती है ऐसे। तो जैसे मान लो ये वायर भी यहाँ पे है, घूम के इधर आ सकती है। तो ये दो रिंग्स हैं जिसके ऊपर वायर लपेट रखी है। तो जैसे ये वायर है, इसका एक एंड, ये ध्यान से, इसका एक एंड इसको टच नहीं कर रहा, बीच में से निकलता हुआ इसको टच कर रहा है, और ये वाला एंड इसे टच कर रहा है, ठीक। ये मेटल के ब्रशेज हैं, करंट को बाहर निकालने के लिए होते हैं, और ये लोड रेजिस्टेंस है, बल्ब ऑन कर रहा है या जो भी ऑन कर रहा है, वहां से इसमें जो करंट है ऑन हो जाएगा, ठीक। रूल नंबर वन, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये वाला पोर्शन बोर्ड के अंदर जा रहा है, जब ये पोर्शन बोर्ड के अंदर जाएगा तो फ्लेमिंग का रूल स्टार्ट करो, बी यहां पे, थंब मोशन ऑफ अ कंडक्टर बोर्ड के अंदर, करंट इंड्यूस्ड ऊपर, बी मोशन ऑफ अ कंडक्टर, करंट ऊपर। तो करंट ऊपर गया, करंट राइट पे आया, नीचे आया, इधर आया, इंपॉर्टेंट, इस वायर से होता हुआ इस रिंग में चला गया, क्योंकि इस वायर ने इसको टच नहीं किया हुआ था, बीच में से निकल रही है। तो रिंग नंबर टू में आया, ब्रश ने बाहर निकाला करंट, मेटल का बना हुआ है, ये करंट आया, सेकंड ब्रश को दिया, इस ब्रश ने इस रिंग को दिया, इस रिंग के साथ ये वायर है, और देखो सर्किट कंप्लीट हो गया, क्योंकि सर्किट कंप्लीट, गोल तो घूमना है ना, करंट ने क्लॉक पूरा लूप कंप्लीट करेगा। तो यहां से करंट पैदा हुआ, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर से निकला, इस रिंग में होता हुआ ऐसे चला गया, राइट, क्लियर है यहां तक। फिर क्या हुआ कि बीस बीए वाला पोर्शन, क्योंकि लूप ऐसा था, अब ऐसा हो गया, अब घूम के ऐसा होना है, तो बीए राइट की तरफ आ गया और सीडी जो राइट था वो लेफ्ट आ गया। सेम डायग्राम है, डायग्राम है, अगला डायग्राम है, आधा लूप वो आधा ये, तो आधा डायग्राम वो आधा ये। अब बारी है सीडी के अंदर जाने की, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब ये पलट गया तो ये लंबी वाली वायर जो राइट पे थी वो लेफ्ट पे आ जाएगी, और छोटी वाली वायर जो लेफ्ट पे थी वो राइट पे आएगी। ये देखो, ये राइट आ गई और ये लेफ्ट चली गई, घूम गई ना, स्लिप हो गई, राइट। तो इसके अंदर फिर जब ये पोर्शन अंदर जाएगा, फ्लेमिंग का रूल लगेगा, करंट फिर ऊपर गया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इस रिंग में एंटर कर गया। इस रिंग से एंटर करता हुआ बाहर आता हुआ, इस रिंग में एंटर करता हुआ इस वायर से होता हुआ बाहर खिसक गया। तो देखो समझ में आया क्या हुआ, यहां से आया, इस रिंग में एंटर कर गया, पहले इस रिंग में एंटर करता था, अब इस रिंग में एंटर कर गया, यहां से घूम के इस रिंग से होता हुआ बाहर निकल गया। इंपॉर्टेंट ये है, एक बार करंट लेफ्ट है तो एक बार राइट है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है, करंट ऐसे जनरेट होगा। हमारे घरों में बिजली ऐसी तो आती है, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हमारा जो ये डायनमो है, इसमें ये जो घूमने का प्रोसेस है, एक सेकंड में 50 बार घुमाते हैं ऐसे, 50 टाइम्स, तो 50 बार करंट घूम जाएगा ऐसे, फ्रीक्वेंसी 50 बार ऐसे बोलते हैं, इंडिया में करंट की फ्रीक्वेंसी 50 बार है, तो 50 बार साइकिल तैयार हो जाते हैं ऐसे, एक सेकेंड में इतना है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये जनरेटर है, जब पेपर में आएगा तो आपने स्टार्ट यहां से करना है, एसी जनरेटर है, डायनमो करता क्या है, आप लिखेंगे मशीन है जो एसी करंट एनर्जी जनरेट करता है फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। फिर प्रिंसिपल लिखना है,
इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. डेफिनेशन लिख देना, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और वो तब तक रहेगी जब तक उसमें फ्लक्स चेंज होता रहेगा. उसके बाद क्या करना है, ये नहीं लिखना. कंस्ट्रक्शन में चार चीजें लिखनी है. आर्मेचर, आर्मेचर कॉइल को आर्मेचर बोलते हैं. प्लीज, कॉइल लिया, फील्ड मैग्नेट्स ली, स्लिप रिंग लिए और मेटल के बने हुए ब्रशेस लिए. फिर आपने कंस्ट्रक्शन में ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं. फिर वर्किंग में आना है. वर्किंग के अंदर कुछ नहीं लिखना मैथमेटिकल, वही जो अभी हमने किया थोड़ी देर पहले. फ्लक्स क्या होगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, वही सेम है लूप वाला. और उसके बाद क्या करना है, ई एम एफ माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह एन बी ए कॉस ओमेगा टी, वही सेम रूल है. तो ये बाहर आ गया, कॉस के डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस, ये ई नॉट है. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, या करेक्शन कर लेना. हाँ ये ठीक है, ई मैक्स या ई नॉट एक ही बात है. तो यहाँ से ये टर्म आ जाएगी. एक एक्स्ट्रा टर्म कर देते हैं इसमें, कि करंट क्या होगा, जो भी ई एम एफ है उसको रेजिस्टेंस कैपिटल आर से क्या कर देना है, डिवाइड. तो ई नॉट बाई आर क्या बन जाएगा, मैक्सिमम करंट आई नॉट. तो हमारे घरों में करंट साइनोसाइडल आ रहा है, साइन वेव की तरह आता है. और एंड में डायग्राम ये बनाया ना, कि हमारे घरों में ई एम एफ या करंट की वेरिएशन ऐसी है, साइन की तरह होती है, राइट. तो ये रहा आपका एसी जनरेटर.